हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस गाड़ी का हाफ एक्सल ख़राब हो चुका है, तो उसको हम इस वीडियो में चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोल्ट है, ऐसे अगर फ्री घूमता है आपका ये चैन टाइट करने वाला, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी का जो हाफ एक्सल है वो उसका थ्रेड जो है घिस जाता है, तो इसलिए इसको जो है चेंज करना पड़ता है। तो जल्दी से इसको हम चेंज करेंगे आज की इस वीडियो में। और गाइस, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका चैन कवर को खोलना पड़ेगा, तो जल्दी से इसका चैन कवर को मैं खोल लेता हूँ पहले। तो अभी मैं इसका ब्रेक वाला एक नट खोलूँगा, और साथ में जो इसका मेन नट होता है जो कि एक्सल का, उसको खोलूँगा, और साथ में जो इसके ड्रम के साथ जो पत्ती अटैच होती है उसका नट खोलूँगा। तो ये तीनों नट आपको खोल लेने हैं, तो जल्दी से मैं इनको खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो है एक 12 नंबर के स्पैनर की जरूरत पड़ेगी, और एक जो है जो मेन बोल्ट है इसका एक्सल का, उसको 19 नंबर के आप जो है स्पैनर से खोलोगे। तो जल्दी से मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। तो बस जल्दी से मैं इसके जो एक्सल को निकाल के इसके व्हील को साइड पे कर देता हूँ। तो बस अभी मेरे को जो चैन जहाँ से हम टाइट करते हैं उस नट को खोलना है, 23 नंबर के पाना से ये खुल जाएगा। तो जल्दी से इसको मैं खोल लेता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी चैन को जो है अलग कर देंगे इसकी जो स्प्रोकेट्स है पीछे वाली से। तो जल्दी से मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। तो इस चैन को भी मैं अलग कर देता हूँ स्प्रोकेट से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमको ये चीज़ चेंज करनी है, तो इसको पहले हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ी सी चोट मारने की ज़रूरत है, और ये पीछे से ऐसे निकल जाती है। तो क्या इसके ज़रिए ही जो आपकी जो चैन है उसको आप टाइट वगैरह करते हो, तो इसको मुझे चेंज करना है अभी। तो क्या कुछ इस टाइप से दो हाफ एक्सल है मेरे पास, जी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है आपको। तो कैसे आपको थ्रेड देखना है, जिसका बोल्ट जो है उसके थ्रेड पे आसानी से ऐसे घूम रहा है, जैसे कि ये अभी घूम नहीं रहा। अभी मैं आपको ये अच्छे वाला दिखाता हूँ, ये देखिए ये इजीली घूमेगा ऐसे, ये देखिए ये अभी एक उंगली से भी घूम रहा है। तो इस बात से आपको जो है क्वालिटी पता चल जाती है। और आप जो पहले वाला था इसका जो हाफ एक्सल, वो दूसरे वाला था, तो दूसरे वाला जो है इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं जो अच्छा वाला है ये वाला जो ब्लैक कलर का है जो डार्क वाला, इसको ही डालूंगा। तो वैसे 40 से 50 रुपए में ये मिल जाता है, जो हल्का वाला वो 30 रुपए में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको डालना है इसको, और जैसे इसकी चैन को हमने निकाला था सेम वैसे इसको लगा के इसकी चैन को, और फिर वापस से इसका जो स्विंग आर्म है उसमें डाल देना है, और उसके बाद इसका जो चैन एडजस्टर है उसको लगाना है ऐसे, और उसके बाद इसका जो बोल्ट है उसको आपको टाइट कर देना है हल्का सा। तो कैसे अभी मेरे को वापस से फिटिंग करनी है, जैसे जैसे मैंने व्हील को खोला था सेम एज इट इज़ को लगा देना है। उसके बाद इसका जो मेन एक्सल है उसको मैं वापस से लगा देता हूँ, और जो राइट साइड वाले जितने भी मैंने नट वगैरह खोले थे उनको वापस से लगा देता हूँ। तो जल्दी से इसको मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो कैसे अभी मेरे को इसकी चैन को टाइट करना है, तो चैन को टाइट करने के लिए आपको दोनों साइड से बराबर इसको टाइट करना है। आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर निशान दिखाई दे रहे होंगे, जिस निशान पे यहाँ पर लेफ्ट वाला होगा उसी निशान पे आपको राइट वाले के साइड जो है एडजस्टमेंट कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको जो है थोड़ा थोड़ा नट इसको टाइट करना है, जब इसकी चैन थोड़ा थोड़ा प्ले ऐसे रह जाए तो यहाँ पर ला के इसको छोड़ देना है। इसी तरह जो है दूसरी साइड भी आपको करना है, उसके बाद आपको जहाँ पर ये जो मेन वाला इसका बोल्ट है इसको टाइट कर देना है, और दूसरी साइड भी सेम ऐसे एडजस्ट करके इसको, उसके बाद उसका जो 19 नंबर वाला बोल्ट है उसको आपको जो है अच्छे से टाइट कर देना है। तो कैसे अभी इसका जो चैन कवर है उसको मैं वापस से टाइट कर देता हूँ। तो वैसे इस प्रकार से आप भी अपनी बाइक का हाफ एक्सल को ऐसे चेंज कर सकते हैं घर पे। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।